भूली भटियारी करोल बाग में मौजूद एक ऐतिहासिक जगह। कहते हैं राजस्थान के गांव से आई एक औरत जो अपना रास्ता यहां आकर भटक गई थी और कुछ वक्त गुजारने के बाद यहीं मर गई। उस औरत के ऊपर ये नाम पड़ा। तो मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और अंधेरा है, पता नहीं डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, पता नहीं इन्हें डर लग रही कि नहीं, मगर मुझे तो डर लग रही है। डर लग रहा है, लेकिन मुझे डर का सामना करना बहुत अच्छा लगता है। और अभी ये जो था, जो यहाँ पे ये जो जगह है, अपनी जगह यहाँ पे जो आए हैं, इसके बारे में हम आपको बता दें, यही वो जगह है जो फिरोज शाह तुगलक ने 14th century में बनाई थी। वो जब शिकार करने आते थे तो शिकार करने के बाद इस जगह पे वो आराम कर रहा। इस जगह के लिए कहा जाता है कि ये बेसिकली दिस पोर्शन इज हॉन्टेड। हाँ, ये जगह थोड़ी हॉन्टेड बोली जाती है। अब बाकी हम, मुझे नहीं लगता है इतनी रात में कोई किसी के पास किसी ने शूट किया होगा, किया होगा नहीं किया होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें डर लग रहा है और हम अपने डर का सामना करने जा रहे हैं और हम अंदर जा रहे हैं। अब ये जो, हाँ, ये जो सांप बिच्छू भी हो सकते हैं यहाँ पे, सानिया संभल के रहना। हाँ। और मुझे मेरे साथ रहना प्लीज, ज्यादा डर लगता है। तो अब हम अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या है, क्या बनाया गया था यहाँ पे। शायद कुछ अभी रेनोवेशन भी हुआ है यहाँ पे, कुछ टूट फूट गया था, वो चीजें शायद सही की गई है, वो हम अंदर चल के देखते हैं। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है। तुम मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे कोई भी मॉन्यूमेंट या कोई भी जगह जाते हैं, वहाँ पे कपल्स के नाम जरूर ले जाते हैं। ये है हमारे इंडिया की खासियत। दर्शकों, आप लोग पढ़ो ये। हम नहीं पढ़ सकते ये चीज़। हम नहीं पढ़ेंगे, सॉरी। हम नहीं पढ़ सकते कि आवाज गूंज रही है हमारी अंदर अंदर, पता नहीं जो है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मिट्टी का ढेर लगा है और ये लग रहा है जैसे कोई कब्र हो। हाँ, ये तो हमें आपको प्लीज मुझे। और इधर से ये आगे जंगल खुल रहा है। ये अंदर तो बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। ये है जंगल, हो सकता है जंगल की शुरुआत यही तो हुई हो, ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ और बना हो जो कि टूट गया हो। बिल्कुल, हमें लेकिन क्योंकि अब आगे का विजन क्लियर नहीं और हमें पता भी नहीं बहुत ज्यादा वो है, तो हम रिस्क भी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। और हम मैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती और इन लोगों को भी नहीं लेने दूंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम अंदर गए तो हॉन्टेड से ज्यादा यहाँ पे चोरी का बहुत डर है, सांप बिच्छू और ये सारी चीजों का बहुत डर है। यहाँ पे यहाँ से निकला जाए, क्योंकि अभी जो है कुछ दिख नहीं रहा है, पत्थर वत्थर बहुत पड़े हुए हैं, इससे पहले कोई चोट वोट लग जाए हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और उसके बाद सुबह होने का इंतजार करते हैं हम। सुबह, अब हो चुकी है सुबह और हम, और मुझे बता दीजिए इनकी शक्लें देखकर आप लोग को लग रहा होगा रात भर नहीं सोए। मैं तो नहीं सोया हूँ भाई, मैं भी बिल्कुल नहीं सोई हूँ। तो नहीं है, लेकिन हम एक्टिव पूरे वैसे रहेंगे। एक्टिव पूरे हैं, वो तो एक्टिविटी में जरा भी कमी नहीं आएगी। हाँ, वो तो जो है जो चीजें, और बल्कि आप ये भी बताइए लोगों को कि रात कैसी कटी आपकी। रात कटी क्या मतलब यार, पहले तो हम लोग आए दिखाया और उसके बाद हम लोगों ने वो हिम्मत करके हम लोग महल में गए, गाड़ी से उतरे महल में गए। वहाँ खतरनाक सा लग रहा था, जंगल था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अंदर ज्यादा नहीं आया, क्योंकि जो है ये मे बी डेंजरस हो सकता था, ये क्योंकि जंगल है पूरा, ये जंगल पूरा प्रॉपर जंगल, और डेंजरस उस वे में नहीं कि यहाँ सिर्फ भूत प्रेत ही मिलेंगे। भूत प्रेत का हाँ मतलब नहीं है, लूट डेंजरस किस वे में कि यहाँ लूट पाट ना हो जाए और चोरी चकारी ना हो जाए। हमारे पास गाड़ी है, बिल्कुल हमारे पास सानिया है, हम दोनों हैं, तो अपने सामान का, मेरे दो बॉडी गार्ड हैं। वैसे मैं आपको बता, आपको तो ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं हर जगह पे। बिल्कुल, तो आपकी बकवास कम सुने और हम आगे चल के देखते हैं कि ये जो आपको बता दें आखिर रविंद्र रघुनाथ ऑडिटोरियम की कैंटीन। हाँ, 1960 का। हाँ, 1960s में बना था ये, मतलब ये दिल्ली के वन ऑफ दी ओल्डेस्ट थिएटर। और इस पे 1960s में
मूवीज की फिल्म्स की स्क्रीनिंग्स होती थी और यहाँ आते थे लोग स्क्रीनिंग्स के लिए हुआ करती थी यहाँ 1960s में उधर रविंद्र रघुनाथ ऑडिटोरियम थिएटर वो सब उधर चलता था और यहाँ कैंटीन हुआ करती थी। तो चलिए इस कैंटीन के बारे में जानते हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, अंदर कैसी कैसी चीज़ें हैं, चलिए। लोगों को नहीं पता होगा कि दिल्ली में ऐसा जंगल भी हो सकता है। बीइंग अ डेलियट मुझे भी नहीं पता था, मैं बचपन से दिल्ली में, मुझे पता ही नहीं था इस जगह के बारे में कि भूली भटियारी नाम की कोई ऐसी जगह है जो कि, और मैं आपको बता दूं अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो ब्लू लाइन मेट्रो से आप उतरिए झंडेवालान, और झंडेवालान मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये भूली भटियारी का महल, और भूली भटियारी से 400-500 मीटर आगे चलेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। इस कैंटीन को आपको बता रही हूँ रास्ता आदि को मेट्रो स्टेशन का कैसे पता चला, क्योंकि आदि को जाना था वॉशरूम तो हमें जाना पड़ा मेट्रो स्टेशन। तो हमने सोचा ये नॉलेज हम आपको भी दे दें कि जो लोग मेट्रो से ट्रेवल करेंगे वो यहाँ तक कैसे आए, और ये नॉलेज हमें आदि के थ्रू मिली क्योंकि आदि को कहाँ जाना था, आगे वॉशरूम। ये भूली भटियारी के पास, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये काफी पुराना थिएटर है, ये बहुत पुराना थिएटर है। ये दोनों पता नहीं कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहा है, ये दोनों आने वाले थे। और ये दोनों फूल फाद के आ गए हैं, और बताइए ये जगह के बारे में। फिलहाल हम लोग है, ये बैक साइड है, हम लोगों ने क्योंकि ये बंद है तो लेकिन हम चोर नहीं, चोर तो हम बिल्कुल नहीं। और अब हम दिखा रहे हैं ये दिशा, फिलहाल ये थिएटर 1960s का है, दिल्ली में भी बहुत कम लोगों को पता है इन सब जगहों के बारे में। बीइंग अ डेलियट मुझे भी नहीं पता था, ये लखनऊ से इस भाई ने मुझे बताया, आकिब ये देखिए ये था उस जमाने का थिएटर। हम इस खतरनाक जगह पे आए थे और रात को मुझे मुझे क्या, हम तीनों को ये जगह कितने ज्यादा हॉन्टेड लग रही है। अगर गूगल पे देखें या यूट्यूब पे वीडियोस देखें तो बताया जाता है कि ये बहुत हॉन्टेड जगह है, यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं। फिलहाल हमने रात में भी आके देख लिया, एक बार नहीं लग मतलब डर लगा लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, और अब दिन में भी एक बार देख लेते हैं क्या है। ये आदित्य ने रात को कब्र बना दी थी, ये हम जो कब्र सोच के डर रहे थे तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और जिसे हम आगे बहुत भयानक जंगल समझ रहे थे। दीवारें यही पे है और यही पे खत्म। ये इधर सीधे चलिए। हाँ बिल्कुल,
पहले रही होंगी जो कि टूट गई हैं या तुड़वा दी गई हैं। नेक्स्ट टाइम हम अगर रात में भी आ रहे हैं ना, तो फिलहाल हम यहाँ तक एंटर हुए थे तो हमें तो कोई भूत या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं लगी। और हमें जॉइन कर रहे हैं आदित्य कृष्णात्रे तो और ना आ गया हूं। ये हमारे साथ मौजूद है, ये ज्यादा देर कैमरे से दूर नहीं रह सकता। बताएंगे आप इस जगह के बारे में कि इन्हें इस जगह का एक्सपीरियंस कैसा लगा। मुझे एक्सपीरियंस जो लगा वो रात को लगा, जब ये रात को डरा रहा था ये कब्र है, यहाँ पे आप अंदर मत जाओ, आप ये मत करो वो मत करो, इतना बहुत डराया। और सुबह आ गया, सब का सब कुछ हमने देख लिया या क्या, कुछ भी नहीं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से आपकी बात के स्टाइल में आप ये वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो लोगों ने अफवाह बना रखी है, इसके बारे में रूमर्स बना रखे हैं कि ये बहुत डरावनी जगह, हॉन्टेड प्लेस है, दिल्ली की क्या इंडिया की टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है ये। हाँ। जैसे लोगों ने इसके बारे में रूमर्स बना दिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये लोगों को पिटिफाई करिए कि ये ऐसा कुछ है ही नहीं है। और इफ इन केस है, प्लीज दोस्तों, इफ इन केस है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। हाँ। हमें कमेंट करें कि हाँ भाई आपने कभी कोई चीज यहाँ पे महसूस करी है। इफ इन केस आपने महसूस करी होगी तो फिर हम मान जाएंगे। वैसे 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 हमें यहाँ घूम के ऐसा लगा है कुछ भी नहीं है, ये कहानियां बनाए, हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी, इसके बारे में सारी स्टडी करी और आप लोगों को बताया एज इट इज। ये दिखने में खतरनाक जगह है। हाँ। तो दोस्तों निकल चुके हैं भूली भटियारी से अब, और अब सफर ये वाला हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है, और हमने अपने एंड से हमें जो जो मालूम था हमने बताया आपको, और हमने वो सारी चीज़ें दिखाई जो हम दिखा सकते थे, जो मेन मेन थी और जो मेन नहीं थी वो चीज़ें भी आपको दिखाई, इसके बारे में जो कहानियाँ थी वो आपको बताई, जो अफवाहें थी वो आपको बताई। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे ट्रैवलर्स एंड ट्यूबर्स को सब्सक्राइब करना मत। चलिए इसी के साथ इस सेशन का एंड यहीं करते हैं, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। Take care.